हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो में। मेरा नाम है अतुल शर्मा। तो दोस्तों, आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि भाई हमारे चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, भाई प्लीज कुछ टिप्स दीजिए ताकि हमारे चैनल को कुछ फायदा भी हो सके, हमारी वीडियोस पे व्यूज आ सके। तो दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे टिप्स जिन टिप्स को फॉलो करके अपने चैनल पे व्यूज ला सकते हैं और अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मेरे तीन चैनल हैं, एक चैनल का नाम है अतुल शर्मा वाइंस, एक का नाम अतुल शर्मा टेक और तीसरा फनी बंदे। दोस्तों, मैं तीन चैनल को मैनेज कर रहा हूं, उस पर मेरे अच्छे खासे व्यूज आते हैं। तो फ्रेंड्स, उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आप लोग बता सकता हूं कि आप लोग क्या गलतियां कर रहे हैं, आप लोग क्या गलतियां ना करें ताकि आपका चैनल ग्रो हो पाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में जान लेते हैं। उससे पहले हम चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम की यूजर आईडी अतुल शर्मा वाइंस आ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। देखिए, एक ऐसी गलती फ्रेंड्स जो 90% यूट्यूबर करते हैं अपने चैनल को बनाने के टाइम पर, फ्रेंड्स वो होता है कि आपको जिस टॉपिक की समझ नहीं होती है आप उस टॉपिक पर चैनल बना के बैठ जाते हैं किसी को देखा देखी। फॉर एग्जांपल के लिए, आपने चैनल बना लिया डबिंग का, गेमिंग का या फिर कुकिंग का, पर आपको इनके बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, आप सिर्फ चैनल बना के बैठ गए। तो फ्रेंड्स, सिर्फ चैनल बनाने से चैनल ग्रो नहीं होता है, आपको पहले जिस टॉपिक पर आपका चैनल है आपको उस टॉपिक की समझ होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि डबिंग चैनल में वॉइस ओवर कैसे करते हैं, गेमिंग चैनल में गेमिंग कैसे खेलते हैं, कैसे लाइव स्ट्रीम करते हैं और कुकिंग चैनल में कैसे खाना बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इनकी नॉलेज नहीं होगी तो आप सिर्फ चैनल बना के बैठे रहेंगे, फ्रेंड्स आपके चैनल पर व्यूज भी नहीं आएंगे, आपका चैनल ग्रो भी नहीं होगा। तो सबसे पहले मेरी टिप्स यही है कि आप जिस भी कैटेगरी के चैनल ओपन करें आपको उस कैटेगरी की नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए फ्रेंड्स, डबिंग चैनल, मैंने ऐसे बहुत सारे डबिंग चैनल्स को देखा है जो नए नए बनाए गए हैं, पर दोस्तों को ये भी पता नहीं है कि डबिंग चैनल पर वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, कैसे थंबनेल लगाते हैं। वो फ्रेंड्स आधी अधूरी वीडियो को अपलोड कर देते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि वॉइस ओवर कैसे करते हैं, कहाँ साउंड को कैसे मैच करवाना है, किस साउंड पे कैसी आवाज़ को बोलना है। दोस्तों, सिर्फ वो वीडियो अपलोड कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे चैनल वायरल कभी नहीं होते हैं, अगर कभी जिंदगी वायरल हो भी जाते हैं तो उनकी वीडियोज़ कभी दोबारा चलती नहीं है, एक बार वीडियो वायरल होने के बाद उनका चैनल डेड हो जाता है। दोस्तों, आपको ही बताना चाहता हूं मैं, अगर आपको लंबे समय तक टिके रहना है तो आप जिस कैटेगरी की वीडियो बनाना शुरू करते हैं आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो। तो फ्रेंड्स, पहले टिप्स होगी, चलिए बात करते हैं सेकंड टिप के बारे में जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अब रेगुलर होना पड़ेगा, अगर आप डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं तो फ्रेंड्स आपको डेली एक वीडियो अपलोड करनी ही पड़ेगी, चाहे एक महीना हो जाए, चाहे दो महीने हो जाए, तीन महीने हो जाए, आपको लगातार वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, एक दिन, दो दिन या चार दिन बनाने के बाद उनका हौसला टूट जाता है, वो लोग वीडियो बनाना अपलोड बंद कर देते हैं। पर दोस्तों, अगर आप अपलोड करना ही छोड़ देंगे वीडियोस को तो लोगों तक आपकी वीडियो पहुंचेगी नहीं, जब वीडियोस पहुंचेगी नहीं, वीडियोस शेयर कैसे होंगी, वायरल कैसे होंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पहला काम तो ये करना है कि जिस टॉपिक पर आपकी वीडियो आप बना रहे हैं आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद आपको वीडियोस डेली डेली अपलोड करनी है ताकि लोगों तक आपकी पहुँच बने, लोग आपको पहचानना शुरू करें, लोगों का आपसे कनेक्शन बनना शुरू हो। अगर आज आपसे एक व्यक्ति जुड़ा हुआ, एक सब्सक्राइबर जुड़ा हुआ, तो फ्रेंड्स वो आगे कभी ना कभी आपकी वीडियोस को वायरल करेगा, वो आपको शेयर करेगा, वो बताएगा दोस्तों से कि मैं इनकी वीडियो देखता हूँ, ये वीडियो बहुत अच्छी बनाते हैं, आप भी इसकी वीडियो देखो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको नई नई ऑडियंस मिलेगी। लेकिन अगर आप एक वीडियो आज अपलोड करोगे, एक वीडियो हफ्ते बाद अपलोड करोगे, एक वीडियो महीने बाद अपलोड करोगे, तो फ्रेंड्स आपको इरेगुलरिटी के चलते आपकी वीडियोस वायरल नहीं होगी और आप कभी बड़े यूट्यूबर नहीं बन पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सेकंड टिप। अब दोस्तों, जानते हैं हमारी लास्ट टिप के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे आपको आना ही चाहिए, उसके बिना फ्रेंड्स यूट्यूब पर कामयाब होना नामुमकिन है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी आखिरी टिप है फ्रेंड्स, वो है SEO करना, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि वीडियो का थंबनेल कैसे लगाते हैं, थंबनेल पर कौन कौन से कीवर्ड्स लिखे कि लोग उस पर क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाएं, टाइटल में क्या लिखे ताकि लोग उस पर उसको देख के अट्रैक्ट हो जाएं, वीडियो पे क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या लिखे कि यूट्यूब हमारी वीडियोस को रेकमेंड करें, टैग्स में क्या लिखे कि लोग जब किसी वीडियो को सर्च करें तो हमारी वीडियो ऊपर आ जाए। तो फ्रेंड्स, आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और थंबनेल लगाना आना चाहिए। जब हम इन बातों को जान जाएंगे तो फ्रेंड्स आपकी वीडियोस ऑटोमेटिकली रैंक करेंगी, आपकी वीडियोस ऑटोमेटिकली सजेस्टेड में आएंगी, आपकी वीडियोस ऑटोमेटिकली रैंक करके ऊपर आ जाएंगी और लोग उस पर क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये तीन टिप्स थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, जिस भी कैटेगरी का चैनल बनाएं, वो किसी भी कैटेगरी का हो, आपको उसकी नॉलेज जरूरी है। ऐसे ही चैनल बनाए कोई फायदा नहीं है, पता लगे आपको उसकी नॉलेज नहीं है और वीडियो बनाए जा रहे हैं तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियोज वायरल नहीं होंगी। दूसरी बात, रेगुलरिटी, आपको डेली एक वीडियो अपलोड करनी है तो करनी ही है, अगर आप हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करते हैं हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करनी ही है। और फ्रेंड्स, तीसरी है SEO करना, आपको वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और थंबनेल लगाना आना चाहिए। एक अच्छा HD थंबनेल बनाने के बहुत फायदे होते हैं, दोस्तों को बताऊंगा अगली वीडियो में कि HD थंबनेल कैसे बनाते हैं। अगर आप HD थंबनेल बनाते हैं तो लोग उस पर क्लिक करने को मजबूर हो जाते हैं और जितने ज़्यादा क्लिक्स आएंगे उतने आपके क्लिक थ्रू रेट हाई होगा, जितने ज्यादा क्लिक थ्रू रेट हाई होगा उतनी आपकी वीडियोस वायरल होंगी। तो दोस्तों, इन सब बातों को फॉलो करता हूं और इसलिए मेरे चैनल पे व्यूज आते रहते हैं और मेरा चैनल ग्रो भी कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इन टिप्स को फॉलो करिए, रेगुलर रहिए, मेहनत करते रहिए, आपकी वीडियोस पक्का वायरल होंगी। तो दोस्तों, बताइए वीडियो कैसे लगे, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।